लेकिन उसने आकर के सही बात को बोल दिया। गुरु जी बोले बेटा अगर तू ब्राह्मण नहीं होता है ना कभी भी ये बात तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलता, तेरे को मैं वेद पढ़ाऊंगा। हैं दूसरा धर्म है बोले दम और तप, कहते दूसरा गुण है अंतर इंद्रिय और बाहर इंद्रिय को वो कंट्रोल में रखता है, मन जो बोले सो नहीं कर लेता है, मन में जो चाहे वो सो काम को नहीं करता है, कोशिश करता है शास्त्र का निर्देश का अनुरूप गुरु वैष्णव के आदेश का अनुरूप ही वो काम करने के लिए कोशिश करता है। उसके बाद में कहते उनको स्वाभाविक रूप में जो ब्राह्मण होंगे उनको तपस्या में हैं, उनका तपस्या में भजन में उनका स्वाभाविक रूप में मन लग जाती है। इसलिए कलयुग में देखो
ब्राह्मण मिलना बड़ा कठिन। अभी तो जनेऊ नहीं पहनते, चोटी नहीं रखते, गला में कंठे नहीं, तिलक नहीं, कुछ भी नहीं। वृंदावन में जाओ, जो पंडित लोग कोई कुछ रहते, कोई कंठी है नहीं, तिलक नहीं, चोटी नहीं, जन देखो तो जनेऊ भी नहीं। वो त्रिसंध्या गायत्री मंत्र को ब्राह्मण होने पर त्रिसंध्या गायत्री मंत्र जप करनी चाहिए। गायत्री व्रत बताए नहीं है, बताए नहीं उनको, और पैंट पहन करके बोले हम वृंदावन के पंडे हैं, और कोई धोती पोती नहीं, सब पैंट पहन करके, सबके सब पैंट पहन करके घूम रहे थे। एक समय हम कुछ भक्त लोग लेके गए गए तो पंडे कहा गए बोले हम वृंदावन के पंडे हैं। मेरे साथ कुछ भक्त थे, बोले तुम जो वृंदावन के पंडे हो, तुम्हारी क्या लक्षण है, चोटी कहाँ है तुम्हारी, गले में कंठी कहाँ है, तिलक कहाँ है, तो ये पैंट पहन कर घूम रहे हो और कह रहे हो हम वृंदावन के पंडे हैं, किस चीज़ के पंडे हैं। इसलिए अभी तो कलयुग में ब्राह्मण को देखना बहुत कठिन, बहुत कम ब्राह्मण। अब तो कलकत्ता में जाकर देखोगे तो गोमांस खा रहे, गोमांस खा रहे, क्यों, मांस खाते खाते ऐसे आदत बन गया। कहाँ जा रहे हो अभी, चुपचाप बैठो बैठो बैठो। इसलिए कहते गोम कहते मांस खाते खाते ऐसे आदत बन गया, अभी इतना आदत बन गया अभी मांस वगैरह रहा नहीं जाता। बोले कौन सा मांस कम पैसा में, बोले गो मांस, गो मांस खाने लगे। चाटाज्य भट्टाचार्य हैं, ये सब का नाम है सब के सब, लेकिन कोई धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं। इसलिए कलयुग में जो सही ब्राह्मण जो अपना निज धर्म को जाजन करने वाले वो बहुत कम मिलेंगे। इसलिए हम आगे जा करके सुनेंगे बोले राक्षसा कलिमाश्रित जायंति ब्रह्म योनिषु। इसलिए कलयुग में कहते कहते संतों को विद्वेष करने के लिए कलयुग में कहते राक्षसा राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण बन के खाएँ, लेकिन सभी ब्राह्मण के लिए नहीं है। जो लोग साधु संतों के ईर्षा द्वेष उनका प्रति द्वेष रखते हैं, लेकिन जो वास्तव रूप में अपना भजन साधन भक्ति करते हैं कहते वो ब्राह्मण से भी वो श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से भी वो श्रेष्ठ है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करते तो ब्राह्मण से भी वो श्रेष्ठ है। कहते ये अमात्सर्य जिनके हृदय में मत्सरता नहीं, मत्सरता मतलब क्या है, ईर्षा द्वेष हैं, ये हमसे कैसे आगे बढ़ जाएगा, हम इसको बढ़ने देते। मात्सर्य ये शब्द क्यों प्रयोग किया है, कर देखना ये मात्सर्य जो माछ है ना, जो बड़े बड़े माछ है वो छोटे छोटे माछ को खा लेते हैं, लेकिन और किसी जाति में देखना, गया को देखना, गया गया खाते हुए नहीं देखोगे, सुअर सुअर को खाते हुए नहीं देखोगे, कुत्ता कुत्ते को खाते हुए नहीं देखोगे, कोई प्राणी भी देखना अपना जाति मांस कोई नहीं खाते हैं। लेकिन देखना ये एक मछली ऐसे की चीज़ है, मछली जो बड़े मछली और छोटे मछली को खा लेते हैं। इसलिए मात्सर्य मतलब क्या, मत मत मतलब होता है मेरे सिवाय कोई जगत में है ही नहीं, मत मतलब मैं ही जगत में सबसे बड़ा हूँ, मेरे से दुनिया में और कोई मेरे से कोई बड़ा है ही नहीं, हो तो मैं ही जगत में बड़ा हूँ, इसको कहते हैं मात्सर्य। इसलिए बोले तितिक्षा, तितिक्षा मतलब होता है इनके अंदर में सहन शक्ति इनके अंदर में है। इसलिए अनस्विया, अनस्विया मतलब किसको प्रति ईर्षा द्वेष नहीं करते हैं, यज्ञ करने वाले होते हैं, दान देते हैं, जिनके अंदर में धृति वेद श्रवण व्रत कति, ये 12 ब्राह्मण का धर्म है। लेकिन अभी तो 12 की बात छोड़ दो, इसमें जो गुण बताया कलयुग में ब्राह्मण में एक गुण भी देखना बड़ा कठिन है। किसी किसी सौभाग्यवान व्यक्ति के अंदर में है ये गुण होगा, लेकिन कलयुग में देखना बड़ा कठिन। लेकिन यहाँ पर भक्त की महिमा बता रहे हैं, अगर किसको अंदर में ये 12 गुण परिपूर्ण में है, पूरा की पूरा 12 गुण उसके अंदर में है, लेकिन अरविंद नाभ पदार बिंदात विमुखात, लेकिन ये भगवान के चरण कमल से विमुख है, भगवान की भक्ति करी नहीं रहे हैं। कहते उससे एक चंडाल कुल में भले ही क्यों जन्म नहीं हो, कहते उसके एक चंडाल श्रेष्ठ है। बोले क्यों, बोले भगवान की भक्ति करते हुए अपना कल्याण तो करता है,
लेकिन उसको साथ साथ उन्होंने 21 पीढ़ी को भी वो उधार कर लेता है। लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म होकर के अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, कहते ब्रह्म तत्व ना जानती ब्रह्म सूत्रेण गर्भिता। ब्राह्मण किसको कहते हैं? कहते ना जन्मानाम जायते शूद्र, जन्म से ही सब शूद्र। लेकिन जब उसको संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, भले ही ब्राह्मण घर में जन्म हो गए, लेकिन जब तक उसको ये जनेऊ संस्कार नहीं होता है ना, तब तक ठाकुर के सेवा में उसकी अधिकार नहीं होता है। जन्म ग्रहण करने पर भी ब्राह्मण घर में है, फिर संस्कारात द्विज्य उच्यते, बोले वेद पठेत भवेत विप्र। लेकिन जब वेद पाठ करता है फिर उसको विप्र कहते हैं, लेकिन जब ब्रह्म तत्व को जानता है उसको वास्तव रूप में उसको ब्राह्मण कहते हैं। कहते ब्रह्म तत्व ना जानत ब्रह्म सूत्रेण गर्भित। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म तत्व को तो जानते नहीं, लेकिन ब्रह्म सूत्र मतलब केवल जनेऊ है, केवल जनेऊ पहन करके अपने आप को क्या करता है, गर्भ अहंकार करता है, अरे हम तो त्रिवेदी, हम तो चतुर्वेदी, हम द्विवेदी हैं, हम अमुक ब्राह्मण अमुक ब्राह्मण। बोले नहीं नहीं, इसलिए वास्तव रूप में ब्राह्मण का गुण अंदर में होनी चाहिए। और सबसे जो बड़ा गुण, भले ही तुम्हारे अंदर में ये जो 12 गुण बताया, कोई भी तुम्हारे अंदर में गुण नहीं, एक भी गुण नहीं, लेकिन अगर एक ही गुण अंदर में, ठाकुर जी को भक्ति करते हैं, ठाकुर जी को भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, बोले तुम्हारी कोई गुण का जरूरत नहीं। ये जितने सब 12 गुण है ना, ये सब के सब तुम्हारे अंदर में अपने आप आ जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे जब एक रानी चलती है ना, देखना उनको साथ में सारी सेविकाएं अपने आप चलती है, जैसे राजा चलता है उसका सब मंत्री कठुआल सबके सब उसको साथ साथ में चलते हैं। इसलिए अगर भगवान की भक्ति एक गुण आ गया, बस एक ही गुण आ गया, प्रभु की भक्ति, भगवान का प्रेम, इसलिए कहते जस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचनात् सर्वगुणैस्तस्त्र समासत सुरा। जिसको अंदर में भगवान की भक्ति अकिंचना भक्ति आ गई, कहते उसको अंदर में सर्वगुणैस्तत्र समासत सुरा, कहते समस्त देवताओं के साथ में और जितने सारे गुण उसके अंदर में आ जाते हैं। कहते हराब अभक्त सकुत महत्व, जिसको अंदर में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भगवान के प्रति भावना नहीं, उसके अंदर में कहाँ ये सद्गुण आ सकती हैं? बताओ, सबरी के अंदर में कौन सा सद्गुण था? सबरी के अंदर में कौन सा सद्गुण था? जात में सबरी, लेकिन ठाकुर जी झूठे फल सबरी कखाए, बहु विध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगा। गो के चंडाल में कौन सा गुण था जो भगवान उसको साथ में अपना मित्रता को स्वीकार किया है? सुग्रीव बंदर जाति में विभीषण राक्षस है, जब भगवान की राम भगवान राम का जब दरबार लगता है, भगवान क्या करते हैं, उनको अपना बराबर आसन देते हैं, ठाकुर जी बराबर आसन देते, बोले क्यों? बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे जो श्रेष्ठ है भगवान की प्रेम है। इसलिए केवल हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति आ जाए बस, और कोई गुण के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बस एक गुण भगवान की प्रेम भक्ति आ जाए, बस हो गया, सारे गुण तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर हाँ, इसलिए तात्पर्य यह है कि चंडाल के वंश में जन्म लाभ कर साधु संग रूपी संस्कार द्वारा जीव व्यक्ति जीव के नित्य धर्म रूपी चिदानुशीलन में लगे हैं, वे शुद्ध चिदानुशीलन रूपी नित्य धर्मानुशीलन से विरत किंतु नैमित्तिक धर्म में निरत रहने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो ब्राह्मण का जो नैमित्तिक धर्म है, हैं जैसे ब्राह्मण घर में जन्म लेने पर सम दमस तप शौच संतोष ख्यांत्रि आर्जव है, ब्राह्मण घर में जन्म लेने पर उसको ब्राह्मण का धर्म जाचन करना पड़ता है देना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण का 6 गुण है, क्या क्या बोल सकता हूँ, कोई श्लोक है बोलो क्या क्या है,
ब्राह्मण का छह गुण उसका अंदर में दान प्रतिग्रह श्लोक याद है। हाँ, ये वहाँ पर बताया ब्राह्मण की छह गुण बताया ब्राह्मण की, जैसे विद्या दान करना है, इसलिए वहाँ पर छह श्लोक श्लोक मेरी याद नहीं आ रही, इसलिए बताया ये ब्राह्मण का छह गुण है। लेकिन ये जो छह गुण हैं कहते ये सबके सब नैमित्तिक गुण हैं। अभी जैसे ब्राह्मण घर में हमने जन्म लिया तो ब्राह्मण का जो धर्म जाजन कर रहे हैं, ब्राह्मण का जो बताया कहते, लेकिन ये नैमित्तिक गुण, ये भी नैमित्तिक मतलब क्या है, जैसे पहले था पानी, पानी से जैसे ठंडा में अन्न पर बर्फ हो गया, लेकिन बर्फ उसका थोड़ी सही गुण है, ये इसकी नैमित्तिक गुण है, हाँ किसी निमित्त से इसने बर्फ बन गया। उसी तरह अभी ब्राह्मण घर में जन्म हुए, अभी ब्राह्मण का संध्या वंदना आदि हम कर रहे हैं, लेकिन अगले जीवन में अगर क्षत्रिय घर में आ जाए, नहीं तो किसी वैश्य घर में आ जाए, फिर क्या होगा, ब्राह्मण का धर्म बदल गया, फिर ब्राह्मण का धर्म उसकी बदल गया, इसलिए उसका ये वास्तव रूप में ये इसका नित्य धर्म जीव का नहीं, ये नैमित्तिक धर्म है इसका है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भले ही चंडाल वंश में जन्म ग्रहण करके अगर साधु संग उसको मिल गया, जैसे सबरी को मातंग ऋषि का संग मिल गया, इसको हैं है? मातंग ऋषि का इसकी संग मिल गया, जैसे हरिदास ठाकुर जी मुसलमान घर में जन्म हुए, लेकिन संग जैसे उनको अद्वैताचार्य जी का संग भक्तों का संग अगर उनको प्राप्त हो गया तो कहते साधु संस्कार द्वारा क्या होता है, जो व्यक्ति जीव के नित्य धर्म रूपी चिदानुशीलन में लगे रहे हैं, कहते ये जीव के नित्य धर्म रूपी जो चिदानुशीलन है, जीव का असली नित्य धर्म प्रभु की भक्ति करना, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान का जीव का स्वरूप ही भगवान की नित्य सेवक है, और चिदानुशीलन मतलब होता है भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति रूपी अनुशीलन है। इसलिए अगर ये धर्म में अगर जीव लगे रहे तो कहते ये वास्तव रूप में जीव का असली धर्म है, लेकिन नैमित्तिक धर्म में निरत रहने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। लेकिन जो नैमित्तिक धर्म में हैं चुके कर्म के जीव के कर्म के अनुरूप जो ब्राह्मण घर में जन्म हुए हैं, कहते वो धर्म जो जाजन कहते उससे भी एक श्रेष्ठ है, जो जीव का जो नित्य धर्म भगवान की भक्ति करता है ये ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। इसलिए हम पहले श्रवण कर रहे थे जगत में दो तरह के मनुष्य होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या कैसे क्या याद है, कहते जगत में दो तरह के मनुष्य होते हैं, बोले दो तरह के कौन कौन होते हैं, बोले एक उदित विवेक और एक अनुदित विवेक, ये दो तरह के व्यक्ति होते हैं। कहते जो अनुदित विवेक मतलब जिसका विवेक उदय हो गया और जिसका विवेक अभी उदय नहीं हुआ है, हैं दो तरह के व्यक्ति है। कहते अनुदित विवेक मनुष्य ही संसार में प्राय करके छाए हुए, जिनका विवेक अभी उदय नहीं हुआ अक्सर करके संसार में देखना वही व्यक्ति जगत में ज़्यादा है, हैं मतलब क्या है, मतलब क्या, उदित विवेक कौन है, जिसका विवेक उदय हो गया, विवेक उदय हुआ मतलब क्या, इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर कहे ना चक्षुदान दिल जयी जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, जो हमें वास्तव रूप में दिव्य चक्षु जिसने प्रदान किया, कौन बोले गुरुदेव, इसलिए कहते हैं अज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम जेन तस्मय श्री गुरुव नमः। गुरुदेव कौन है, जो हमारी अज्ञान है, ये अज्ञान को क्या करते हैं, कहते ज्ञान रूपी शलाका द्वारा जैसे आँखों में जैसे काजल लगाने पर आँखों की तेज बढ़ जाती है, उसी तरह गुरुदेव हमारी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके दिव्य आलोक को गुरुदेव हमें प्रदान करते हैं। वास्तव रूप में वास्तव वस्तु क्या और जो अवास्तव वस्तु क्या इसका फर्क गुरुदेव हमें बता देते हैं। इसलिए कहते अक्सर करके जगत में जो अनुदित विवेक है, उदित विवेक कौन है, जिसका विवेक उदय हो गया मतलब उसको समझ में आ गया जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का जो असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास है, उनकी दासो तो करना ही जीव का कल्याण मंगलप्रद है। यदि ये उदित अनुदित विवेक जगत में प्राय करके छाए हुए,
घबराए करके जगत में, जिसका ज्ञान अभी उदय नहीं हुआ है। ज्ञान उदय होगा तो प्रभु के भजन में लग जाएगा ना। जब वास्तव रूप में जीव को ज्ञान हो जाएगा हम कौन हैं, फिर वो क्या करेगा, प्रभु के भजन में लग जाएगा। हैं असली चीज उसको पता चलेगा, प्रभु का भजन में लग जाएगा। अभी ज्ञान उदय नहीं होने का नाते, जैसे आप लोग हैं, हाँ अभी हम लोग हैं, थोड़ी बहुत ज्ञान, तो पूरा तो ज्ञान उदय नहीं हुआ, थोड़ी बहुत ज्ञान उदय हुआ होने का नाते क्या करते हैं, मंगल आरती में उठते हैं, उठ करके अपना स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी की आरती में आते हैं, कभी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, हमें पता है वास्तव रूप में हमारा कल्याण है भगवान की भक्ति में ही, भगवान के भजन में ही हमारी कल्याण है, हैं। इसलिए हम अभी कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम ले रहे हैं, हरि नाम करते हैं। लेकिन जो अनुदित विवेक संसार में छाए हुए, मतलब जो केवल ये शरीर को ही अपना मान करके और ये शरीर संबंधी वस्तु को जो अपना मानते हैं, ये शरीर में हूँ और ये शरीर संबंधी में और मेरा वस्तु में जो लगे हुए हैं, इसलिए सवेरे उठते ही सबसे पहले चाय ढूंढे कि चाय कहाँ है, हैं चाय, उसके बाद में मतलब पेपर पढ़ लेंगे, हैं उसके बाद में इसको करके फिर ब्रश फ्रश करके स्नान पान करके लाओ भोजन लाओ, पहले भोजन लाओ ले गए, बस चले गए कहाँ पर, अपना काम में चले गए, दिन भर 8-10 घंटा काम किया, फिर वापस आ गए, थोड़ी बहुत टीवी देख लिया और टीवी देख करके फिर खा पी सो गए। जिनको भजन भजन से कोई मतलब नहीं, भक्ति भक्ति से कोई जिनकी मतलब नहीं, ये सबके सब कौन है, बोले जिनका विवेक उदय नहीं हुआ है, हैं केवल जानवर जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, दिन में 2 काम और रात को जो 2 काम करते हैं, दिन में क्या पैसा कमाओ, पैसा से परिवार को मेंटेन से करो, रात में सो जाओ अपना विषय भोग करो, कभी ये सबके सब कौन है, बोले अनुदित विवेक। बताओ सारा दुनिया में यही लोग है ना, यही लोग है, कितना लोग होएंगे जो सवेरे उठ करके ठाकुर की मंगल आरती करना, ठाकुर का हरिनाम करना, तुलसी में पानी देना, थोड़ी बैठ कर सत्संग करो, कीर्तन करो, हाँ प्रभु की भजन करो, बताओ कितने लोग मिलेंगे, कितने लोग मिलेंगे बढ़ोतरी बताओ, बहुत कम है। इसलिए कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि स्वपि महामुनि, करोड़ों कर्ण में कोई विरल व्यक्ति होते हैं जिनको मेरे भजन में अच्छी लगती है, मेरे भजन उसकी अच्छी लगती, भक्ति उसको अच्छी लगती है, भजन भक्ति अच्छी नहीं लगती है। जैसे देखो ये बच्चा के बैठा हुआ लव कुछ बैठा, अभी सेमिनार हुई, सेमिनार में कितने बच्चे आए, कितने बच्चे आए सेमिनार में, अभी ये प्रश्न बताएं, ये अकेले दिख करें यहाँ पर क्यों, वो सबके सब गए कहाँ गए, सबके सब फिर कहाँ गए, ये अकेले क्यों, कारण है कद बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवानाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बोले बहुनाम जन्म नामांते, करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद में कोई विशेष जो विवेक व्यक्ति हैं, ज्ञानवानाम माम प्रपद्यन्ते, बड़े विशेष जो ज्ञानी होते हैं तो मेरे शरण में आते, जिसको पता चलता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नहीं तो सभी नहीं आते, बड़े दुर्लभ व्यक्ति। इसलिए कहते जगत में जो अनुदित विवेक है संसार में, सारी दुनिया में यही लोग को देखोगे जगत में छाए हुए हैं, लेकिन जो उदित विवेक है बहुत कम है, बहुत कम। जिसको महाप्रभु क्या कहते हैं, जैसे रेतियों को गिन नहीं सकते हो, बारिश बूंद को नहीं गिन सकते, जीव को भी गिन नहीं सकते हो, उसका अंदर में क्या होता है, बड़े कुछ तो जलचर कुछ स्थलचर होते हैं, हैं कुछ जल में रहने वाले कुछ स्थल, कोई उभयचर होते हैं, हैं उसके अंदर में फिर पेड़ पौधा, फिर जानवर जीवन में चले जाते हैं। किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव जन्म मिला, मानव जन्म मिलने पर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो जंगली जानवर अभी भी इंसान जंगल जानवर नंगे रहते हैं, उसमें कोई व्यक्ति सभ्यता में आते हैं, लेकिन जो सभ्यता में आते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वेद को मानते तो है, हैं वेद तो मानते, कुछ तो वेद मानते नहीं, कुछ मानते हो तो बहुत कम मानते हैं, लेकिन मानने पर भी उसको केवल मुंह में मानते हैं लेकिन काम में नहीं करते हैं। लेकिन जो काम में आचरण करने वाले उसको अंतर में बहुत ऐसे लोग जिसमें कर्म में निष्ठा है, कर्म करो कहते ना, कर्म करो कर्म करो, लेकिन कर्म भी 3 तरह का है,
हैं, लेकिन जो वास्तव जो कर्म है वो नहीं करते, अकर्म कुकर्म को करते हैं, उसको ही अकर्म कहते हैं। लेकिन उसका अंदर में एक करोड़ों करोड़ में कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, करोड़ों करोड़ों ज्ञानी में कोई एक दुर्लभ होता है जो नारायण की भक्त होते हैं, नारायण की भक्त में करोड़ों करोड़ में कोई एक राम भक्त होते हैं, राम भक्त में भी करोड़ों करोड़ में कोई द्वारकाधीश का कोई भक्त होते हैं, लेकिन द्वारकाधीश भक्ति के अंदर में भी कोई कोई होते हैं जो मथुरेश कृष्ण को भक्ति करते हैं, मथुरेश कृष्ण के अंदर में जो वृंदावन कृष्ण को भजन करते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते आराध्य भगवान ब्रजेश स्तन, ऐसे जो ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जन जन सफल जीवन तार, तहार उपमा वेदे नाही सीमा त्रिभुवने नाही आग। जो कृष्ण भजन करते हैं त्रिभुवन में ऐसे सौभाग्य नहीं मिलते हैं, लेकिन वो जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं उसमें भी तीन विशेष करके ब्रज में तीन ही रस है, एक रस है सख्य रस है, एक वात्सल्य रस और एक उसमें मधुर रस। लेकिन मधुर रस है वो तीनों रस में जो ऐसे ऐसे सख्य रस के अंदर में कोई विषया मरी मैं नहीं माखन खाई, जिसमें वात्सल्य रस में जिनका रुचि होता है, हाँ वो पुष्टि संप्रदाय में वो लोग वात्सल्य रस में भगवान को अपना बेटा मान करके श्री कृष्ण शरणम मम हैं, इसलिए वो लोग इसी मंत्र को उपासना करते हैं। लेकिन उसके अंदर में करोड़ों करोड़ में कोई एक होता है जो राधा कृष्ण को भक्ति करने वाले हैं, लेकिन वो सखिया भाव से रुक्मिणी भाव से उपासना करते हैं, वो परकिया भाव से नहीं, वो सखिया भाव से राधा कृष्ण ये जैसे हैं, राधा कृष्ण जैसे ये क्या है, राधा कृष्ण जैसे ये शादी सुधा जैसे राधा कृष्ण हैं, हैं जैसे वृंदावन में जैसे राधा वल्लभ जी खूब कृष्ण को रोज़ रोज़ शादी करवाते हैं, ठाकुर जी को रोज़ रोज़ ये शादी करवाते हैं, हैं इसलिए जहाँ पर पति पत्नी का भावना है, लेकिन उसका अंदर में जो अपना प्रिया प्रियतम जो विप्रलम्ब रस में जो उपासना करने वाले जो विरह रस में जो उपासना करने वाले बहुत विरल होते हैं, उनका अंदर में भी एक सखिया और एक परकिया दो भाव उसके अंदर में, जिसको रूप गोस्वामी वो उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में वर्णना करते हैं, सखिया एक है परकिया एक है। कहते सखिया में जहाँ पति पत्नी की जहाँ भावना है, हैं जहाँ पर भावना ये सखिया है, इसलिए जो परकिया कहती नहीं ये तो नित्य निकुंज में मिलन इनको होता है, नित्य निकुंज में मिलन। अब इसे संसार में देख लेना क्या है, पहले जो पति पत्नी अगर हर समय पास में रहते हैं ना, फिर उसमें क्या होता है मिलन का उत्कंठा ही खत्म हो जाती है, अरे तो जब इच्छा तब तो बात कर लेंगे, घर में रहती है घर में रहते हैं और वो प्रेम भी धीरे धीरे देखना नीचे उतरता है, हैं पहले चंद्रमुखी फिर सूर्यमुखी फिर ज्वालामुखी फिर धीरे धीरे। लेकिन ये विप्रलम्ब रस में क्या होता है, कहते हैं विप्रलम्ब रस में वो जो विरह रस जिसको कहते हैं, जिसको विरह रस जिसको कहते हैं, ये विरह में जो संपूर्ण रूप में कृष्ण जैसे वृंदावन छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए कृष्ण, मथुरा चले गए फिर द्वारका चले गए, हैं वहाँ पर जो राधा रानी को जो विरह है, महाप्रभु यही विरह रस को देने के लिए आए हैं, इसी विरह रस को जब दूर में रहते हैं दिन रात उसको प्रति उनकी मन एकदम डूब जाती है। उसमें रामलीला में भी देखो वहाँ पर भी सीता को छोड़ दी, कहाँ छोड़ दी, वनवास दे दी, अयोध्यावासियों को छोड़कर प्रभु राम चले गए, राम भी अयोध्यावासियों को छोड़कर चले गए, महाप्रभु देखो उन्होंने भी नवद्वीपवासी को छोड़कर कहाँ चले गए, पुरी चले गए, हैं कहते ये विरह रस है, हैं विरह के द्वारा क्या होता है, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, उनका आँख जहाँ पड़ता है उधर ही भगवान 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 याद आता है। लेकिन मिलन में क्यों आता है, सामने सामने केवल मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं, लेकिन विरह से क्या होता है, कृष्ण जैसे गोपियों का रासलीला में त्याग दिया, वहाँ पर कैसे वर्णना किया कृष्ण कैसे एकदम ब्रज गोपियाँ कैसे कृष्ण चिंतन करते करते इतने डूब गए, कृष्ण लीला के अनुकरण करना शुरू कर दिया, मैं वही कृष्ण हूँ, किसी ने गिरिराज उठा लिया, बोले मैं वही पुतना हूँ, हैं एक गोपी बन गई पुतना एक बन गए, कृष्ण उसकी स्तनपान कर रहे, कोई अघासुर का लीला हैं, इतने उसकी लीला को अंदर में तन्मयता, ये केवल ये विरह रस में ही ये तन्मयता आती है।
है, इसलिए उसमें बताए पर क्या सकिया पर क्या, लेकिन पर क्या में भी वहाँ पर भी सब अलग अलग गोपियों की कहते, वहाँ वहाँ कहते तटस्थ है कुछ गोपियाँ हैं, कभी स्वपक्ष है कुछ विपक्ष है, हैं ये तीन तरह का उसमें बताए, कुछ प्राण पृष्ठ सखी, कुछ प्रिय नर्म सखी, और उसमें भी पांच तरह का सखियों का नाम भी उस वहाँ, इसलिए रूप गोस्वामी ने कहते ये उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में इतने सूक्ष्म उन्होंने विचार दिया है ना, इतने सूक्ष्म उन्होंने विचार दिया है, लेकिन उनका अंदर में भी पर के अंदर में भी चंद्रावली भी है, उसमें भी सखियाँ हैं, लेकिन उसका अंदर में जो सखिया है जो केवल कृष्ण को मानने वाले जो गोपियाँ हैं, हैं जो तत्त भावात्मिका भावोल्लास रति जिनका नाम रूप गोस्वामी दिया, ये जो ऐसे जो उपासना है कहते जो उदित विवेक में जिनका विवेक उदय हो गया है, जिनकी विवेक उदय हुआ है, कहते ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जो राधारानी की निकुंज में हैं, कहते हैं राधारानी की निकुंज में जो राधारानी की अत्यंत अत्यंत जो निकटतम जो सेवा है इनको प्राप्त होता है, राधारानी की अंदर महल की सेवा, कहते जहाँ पर कहते प्राण पृष्ठ सखी, जो प्राण पृष्ठ सखी कौन, ललिता विशाखा आदि ये सखियाँ राधा कृष्ण जब लीला करते हैं इनको भी अंदर में घुसने के लिए इनको भी संकोच होता है, लेकिन राधा रानी की जो पाल्य सखी जो उनकी अधीन में जो रहने वाले वो आसानी से प्रवेश करते हुए राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, कहते ये जो उदित जो विवेक है यहाँ पर कहते हैं ये लोग बहुत बहुत जगत में कम व्यक्ति है जिनकी विवेक जिनकी उदय हो गया, और विवेक उदय होने पर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं जगत में ये बहुत कम व्यक्ति है, ये बहुत कम व्यक्ति है, लेकिन उदय विवेक होने पर भी घर में भी कोई थोड़ी बहुत रामायण पढ़ लेते होंगे, थोड़ी बहुत गोपाल की सेवा करते होंगे, थोड़ा आरती करते होंगे, लेकिन नित्य नियमित रूप में भगवान के नाम करना, जैसे आप लोग आते कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आए, ठाकुर का आरती किए, ठाकुर का सेवा किए, कहते ये व्यक्ति तो जगत में सुदुर्लभ है, प्रसाद आत्मा कोटि स्वपी महामुने, करोड़ करोड़ में तो ऐसे व्यक्ति बड़े सौभाग्यवान बड़े विरल व्यक्ति ऐसे है, इसलिए कहते जो यहाँ पर जो बताए जो एक तरह का उदित विवेक एक तरह का अनुदित विवेक, अनुदित विवेक बहुत कम है, उदित हाँ कहते अनुदित विवेक जगत में प्राय छाए हुए लेकिन अनुदित विवेक बहुत कम है, यहाँ पर कहते हैं लेकिन जो अनुदित विवेक मनुष्य में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, ये ब्राह्मणों को क्या बताए कहते जिनका विवेक अभी है अनुदित विवेक मनुष्य में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, अभी जिनका विवेक उदय नहीं हुआ है, हैं जिनका विवेक उदय नहीं हुआ कहते उनका अंदर में सर्वश्रेष्ठ कौन, बोले ब्राह्मण, बोले इनको ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताए, कारण क्या, बोले कारण है कहते अपना अपना भरने के अनुसार ब्राह्मण का जो संध्या करना है, जैसे त्रिसंध्या जैसे ब्रह्म गायत्री को जैसे ब्राह्मण लोग जप करते हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं अपना ब्रह्म गायत्री को अपना जप करते हैं और अपना जो वंदना आदि इसको करते हैं, और नित्य कर्म में सभी कर्म में श्रेष्ठ है, हैं ब्राह्मण का जो नित्य कर्म संध्या वंदना पूजा सेवा इसमें इसको ये लोग करते हैं, ये लोग कौन है जिनका विवेक अभी उदय नहीं हुआ, इनका जिनका विवेक भी उदय नहीं हुआ, लेकिन उनमें उनका अंदर में ये सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि कम से कम जो नहीं कुछ करते हैं ये कम से कम क्या कर रहे हैं, संध्या वंदना आदि त्रिसंध्या गायत्री जप करना, वंदना स्तुति आदि करना, ठाकुर को पूजा सेवा करना, किसी देवा देवी को पूजा करना, कम से कम ये लोग थोड़ी बहुत ये करते हैं, लेकिन उदित विवेक मनुष्य का दूसरा नाम है वैष्णव, कहते जिनका विवेक उदय हो गया वास्तव रूप में उनका और एक नाम है वैष्णव, उनका नाम क्या है वैष्णव, कहते वैष्णव कहते हैं किसको, कहते वैष्णव का डेफिनेशन क्या है बोलो, हाँ इसलिए कहते गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नर, उसके बाद में वैष्णव अभी तो इतर अस्मात अवैष्णव,
इसलिए वैष्णव और अवैष्णव का यहाँ डेफिनेशन दिया, कहते जो वैष्णव वही है जो गृहीत विष्णु दीक्षा को, जो विष्णु मंत्र में जो दीक्षा को प्राप्त करके विष्णु सेवा भगवान की, विष्णु में विष्णु भी आते हैं, भगवान राम भी आते हैं और भगवान कृष्ण भी आते हैं, भगवान का जो अवतार आदि आते हैं नृसिंह बामन और जो इस सब सबके सब विष्णु तत्व में इस सब के सब आते हैं। इसलिए कहते जो विष्णु दीक्षा में जो मंत्र ग्रहण किया है विष्णु दीक्षा मतलब यहाँ एक तो विष्णु है, विष्णु का दूसरा अर्थ है कहते व्यापनोति इति विष्णु, विष्णु मतलब क्या तो सर्वत्र व्याप्त है। कृष्ण भी विष्णु हैं, विष्णु तत्व में आते हैं। बोले इनको विष्णु क्यों बताए गए, बोले एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, उनको व्याप्ति कहाँ पर दिखाए हैं, व्याप्ति उनकी रास लीला में दिखाई पड़ा, कृष्ण कैसे एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी। इसलिए वो श्लोक है ना, क्या श्लोक है, माँ विकृतम ब्रजवधु विदंत विष्णु, वहाँ पर जो शब्द किसके लिए आए, ये कृष्ण के लिए ये विष्णु शब्द आया है, ये कृष्ण के लिए विष्णु शब्द आया है। इसलिए कहते जो जो कहते इनका जो विष्णु मंत्र में ग्रहण करते हुए जो भगवान की जो सेवा पूजा करते हैं ये सबके सब वैष्णव और इसके सिवा सबके सब अवैष्णव। इसलिए हम जैसे वैष्णव संप्रदाय भी क्या होता है, जब सर्वप्रथम आते हैं सबसे पहले उनको विष्णु मंत्र में दीक्षित होते हैं, विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर के फिर विष्णु की सेवा पूजा करते हैं। जैसे यज्ञ होता है, जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार में उनका विष्णु दीक्षा मंत्र लेकर के उसमें पवित्र होते हैं, होकर के भगवान की सेवा पूजा में फिर ये लोग लग जाते हैं ठाकुर की सेवा पूजा में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उनका नाम है वैष्णव, इनको कहते हैं वैष्णव हैं। इसलिए बोले सत्र जाति सहस्र एकांत का विशेषते हैं, उसमें श्लोक है, क्या श्लोक है, हाँ ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्य सत्र जाति, हजार हजार ब्राह्मण में एक सत्र जाति ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। सत्र जाति एक यज्ञ होता है, वो यज्ञों को सभी नहीं कर सकते, जो विशेष ब्राह्मण कुल में जन्म हो वही लोग ही वो सत्र जाति ब्राह्मण वही व्यक्ति कर सकते। बोले सत्र जाति सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पारग, ये सत्र जाति ब्राह्मण में ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो सब वेद को जो पढ़ने वाले हैं। बोले सर्व वेदांत बीत कोट्या, ऐसे जो सर्व वेदांत को जो जानते हैं उसका अंदर में करोड़ों करोड़ में कहते विष्णु भक्ति विशेषते, एक जो होते हैं जो भगवान विष्णु को आराधना करते हैं। मेरे गुरुदेव जब ये वेदांत सूत्र है ना जो ग्रंथ है, जब गुरुदेव मेरे वेदांत सूत्र को उन्होंने प्रकाशित किया, जो सबसे जो हेड मतलब जो संस्कृत भाषा में वहाँ जो प्रिंसिपल था संस्कृत कॉलेज का कलकत्ता का, उनसे उन्होंने सारे प्रूफ रीडिंग कराया, संस्कृत में कोई गलत नहीं रह जाए, उन्होंने सारे वेदांत सूत्रों को उन्होंने भगवत गीता को उन्होंने सब प्रूफ रीडिंग किया। लेकिन जब ग्रंथ सारे बन गया, बनने के बाद गुरु जी ने पूछा, बोले पंडित जी इतने ग्रंथ तो आपने प्रूफ रीडिंग किया सब कुछ किया है, आपको समझ में क्या आया, आपको पल्ले में क्या पड़ा है, देखो क्या कहता है, बोले मैया काली ही सब कुछ। लेकिन उसको बुद्धि में नहीं आए, इतने ग्रंथ को प्रूफ रीडिंग सब कुछ किया, लास्ट में उसको कहते मैया काली ही सब कुछ। कलकत्ता में काली माँ की पूजा करते ना, बोले माँ ही काली ही सब कुछ, मतलब वो ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। इसलिए वहाँ के जो चक्रवर्ती ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मण है, लेकिन शास्त्र का जो तात्पर्य है जो है ना, ये शास्त्र का तात्पर्य को समझ नहीं रहा है, शास्त्र असली जो तात्पर्य भगवान की भक्ति, इनकी पल्ले में ये चीज इनकी नहीं पड़ी, ये तो केवल हैं जो सौभाग्यवान व्यक्ति है हैं। इसलिए सर्व वेदांत बीत कोट्या, इसलिए एकांतिक के विशेष, इसमें कोई एक विशेष कोई भगवान की भक्ति करने होते हैं वैष्णव होते हैं, लेकिन ऐसे वैष्णव में भी विष्णु को जो उपासना करता है वैष्णव है, लेकिन वो जो कृष्ण है, कृष्ण मतलब जो कृष्ण को जो उपासना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। लेकिन कृष्ण उपासना में भी पूर्व गोस्वामी कहते ना
कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है? बोले केवल कृष्ण अनुशीलन जो करते उत्तम भक्ति नहीं, बोले कृष्णा। वहाँ कृष्ण शब्द नहीं बता, कृष्णा। कृष्णा कौन है? श्रीमती राधा रानी। मतलब जो राधा कृष्ण को जो उपासना करते हैं, राधा रानी के जो अनुगत में जो भजन करते हैं, कदि ये सर्वश्रेष्ठ ये उपासना है। इसलिए कहते कहते दूसरा नाम वैष्णव है। कहते वैष्णव का जो व्यवहार और अनुचित व्यवहार में मनुष्य का व्यवहार अवश्य ही पृथक होगा। अभी जिनकी वैष्णव है इनका जो व्यवहार, अभी जो अनुदित जो मनुष्य का जो व्यवहार, कहते ये तो निश्चित रूप में पृथक होगा ही। जिनका उदय विवेक उदय हो गया, वो क्या करते हैं? जैसे आप लोग गला में कंठी माला तिलक धारण करते हो, हरिनाम करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, वो समय हो तो इधर उधर बात में नहीं लग करके भगवान की माला जप करेंगे, भगवान की भजन करेंगे। लेकिन जिनका उदय विवेक उदय नहीं हुआ, क्या करेंगे? और चाय पानी पिएंगे, पेपर थोड़ा पढ़ लेंगे और इधर उधर की बात कर लेंगे, बैठ जाएंगे तो ताश खेलने लग जाएंगे और पासा खेलने लग जाएंगे और बैठ करके सारा दुनिया की। आप पार्क में जाओ, जितने बड़े बूढ़ों को देखना क्या करते हुए देखोगे, वहाँ ताश खेलते होंगे, नहीं तो बैठ करके सारे राजनीति का बात। जब हम कभी गए, सारा दुनिया की राजनीति का, उधर ये हुआ, इधर हुआ हुआ, यही। और तो कोई काम धाम नहीं, रिटायर्ड हो गए, दिन भर यही बात करते। लेकिन हरि नाम नहीं करते हैं, भगवान की भजन नहीं करते। लेकिन भक्तों का स्वभाव क्या है? शांति अभ्यर्थ कालतम विरक्तिमान शून्यता है। इसलिए अभ्यर्थ कालतम वो कभी समय को इधर उधर बात में नहीं लगाते। ऐसे नहीं फोन में लगे तो बिना कारण से घंटे घंटे तक बात करें, कोई काम नहीं, यार दोस्त थे लगा दिया घंटे, नहीं। समय की बहुत कीमत है। समय मिले तो क्या करो? हरिनाम करो, ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अपना हरि भगवान की भक्ति करो। इसलिए कहते इनके अंदर में जो व्यवहार है, ये व्यवहार फर्क व्यवहार है। इसलिए पृथक होने पर भी वैष्णव के व्यवहार अनुदित विवेक मनुष्य के शासन के लिए बनाए गए स्मार्त विधान के तात्पर्य विरुद्ध नहीं है। यहाँ पर कहते हैं पृथक होने पर भी, इनका व्यवहार में पृथक होने पर भी, कहते वैष्णव का जो व्यवहार है, कहते अनुदित विवेक, जिनका विवेक उदय नहीं हुआ, मनुष्य के शासन के लिए हैं, जो विवेक शासन के लिए बनाए गए। इसलिए कहते इनके इस चीज क्यों बनाए गए? कहते ये जिनका विवेक उदय नहीं हुआ उनको शासन के लिए ये सब चीज को बनाए गए हैं। कहते शास्त्र का तात्पर्य सर्वत्र ही एक है। कि जितने शास्त्र को पढ़ो आप देखोगे, क्या देखोगे? शास्त्र का तात्पर्य जो दो नहीं, गीता पढ़ो, गीता का तात्पर्य क्या है? गीता का तात्पर्य क्या है? गीता का तात्पर्य क्या है? भगवान कृष्ण क्या कहते? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन तू सर्वधर्म को छोड़कर तुम मेरे शरण में आ जा, आने पर तुमको मैं सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये तो ये है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ उपदेश क्या है? कहते मन मना भरो। कृष्ण कहते अर्जुन ये मन को और किसको मत दिया करो, मत भक्त भव। भक्त बनना तो किसका बनना? मेरा ही भक्त बनना। पूजा करना तो किसके पूजा करना? मेरा ही पूजा करना। और प्रणाम करना तो किसको करना? मुझे ही करना, और किसको नहीं करनी चाहिए। यही गीता के शास्त्र का तात्पर्य यही है। गीता की अगर भागवत पढ़ोगे, भागवत का तात्पर्य क्या है बोलो? भागवत का सार क्या है बताओ? भगवान भागवत का सार क्या है? इसलिए भागवत में बहुत कुछ सार चीज है, एक सार नहीं है भागवत का, बहुत कुछ सार भागवत का है। पहला सार तो भगवान का नाम ही है, क्योंकि प्रारंभ में प्रभु का नाम और अंतिम में भी प्रभु का नाम लिया है। इसलिए भागवत पढ़ोगे तो एक ही सार मिलेगा, हैं, हर समय भगवान का नाम को जप करो। अरे उसका और अंदर में क्या मिलेगा? कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण ही स्वयं भगवान है। लेकिन जब धीरे धीरे भागवत पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर जिसको श्री
सनातन गोस्वामी ये बृहत भागवत अमृत ग्रंथ में जिसको उन्होंने वर्णना करते हैं हैं, उसमें यद्यपि सब भक्त है, उसमें नारद भी भक्त है, ध्रुव महाराज भी भक्त है, अम्बरीश महाराज भी भक्त है, भरत महाराज भी भक्त है, ब्रजवासी भी भक्त, ये सब के सब भक्त हैं। इसलिए भागवत में विशेष करके पांच तरह का भक्तों का नाम ग्रहण किया। कौन सा कौन है पांच तरह का भक्त बोलो? ये रस है, पांच तरह का रस है, लेकिन यहाँ पर कहते पांच तरह का भक्त है। क्या क्या भक्त है बोलो बोलो, क्या कौन सा भक्त हो? पहले नंबर क्या है? पहले बोले ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त मतलब क्या है? ज्ञानी भक्त दो तरह के, एक होता है जो ब्रह्म साजुज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लास्ट में अपना सत्ता को ब्रह्म में लीन कर देना चाहते हैं, कहते ये एक ज्ञानी। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञानी भक्त हैं, हैं ये जो ज्ञानी भक्त हैं, कोई कोई व्यक्ति कोई गलत कर, तुलसीदास जी तो ज्ञानी भक्त थे, कोई बोले तुलसी गोस्वामी तुलसीदास भी वो ज्ञानी भक्त थे, हैं कोई कोई कहते, लेकिन वो जो ज्ञानी भक्त थे वो निर्विशेष ब्रह्मवादी ज्ञानी नहीं है, वो निर्विशेष ब्रह्म, कुछ लोग यहाँ पर भूल करते हैं, भूल करके अरे तुलसीदास तो ज्ञानी भक्त थे, हैं बोले नहीं, वो साधारण ज्ञानी भक्त मतलब क्या है? जो भगवान को ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, हैं ये इनको ये ज्ञानी भक्त, ये निर्विशेष ज्ञानी नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज को ज्ञानी भक्त, कभी कभी लोग भ्रम बोले प्रहलाद को अपने ज्ञानी के भक्त बना दिया, ये यहाँ जो ज्ञान है तत्व ज्ञान है। इसलिए प्रहलाद का अनुभूति क्या था, पिताजी ने जब पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ हैं, तब उन्होंने क्या बताया, ये तो बताओ मेरे प्रभु कहाँ है ही नहीं तो बताओ, मैं तो देख रहा हूँ कण कण भी भगवान, सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखता है, ठाकुर सर्वत्र, ये ज्ञानी भक्त हैं जो भगवान की कृपा को सर्वत्र जो अनुभूति करते हैं, ये ज्ञानी भक्त हैं। भगवत सत्ता को सर्वत्र हैं विद्यमान रूप में दर्शन करना, इसलिए प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त हुए, कहते उनको ऊपर में ज्ञानी भक्त के बाद में हुए फिर शुद्ध भक्त हुए, कहले शुद्ध भक्त में कौन आए, कहते श्री आय श्री अम्बरीश महाराज, इनको शुद्ध भक्त बताया गया, क्यों, जिसने एकादश इंद्रियों को द्वारा उन्होंने राजा होते हुए भी उनने सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो बाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, समस्त इंद्रियों को उन्होंने भगवत सेवा में उन्होंने जिसने लगा दिया सारे इंद्रियों को, और एकादशी व्रत करते थे जिनके लिए सुदर्शन चक्र स्वयं प्रकट हुई, और सुदर्शन चक्र जिनको रक्षा करते हैं हर समय, क्योंकि अम्बरीश महाराज कहते संपूर्ण ससागर धरा पृथ्वी का राज्य तो होते हुए भी राज्य को देखभाल नहीं करते थे, वो दूसरों को प्रजाओं को मंत्री को देकर रखे थे, लेकिन खुद क्या करते थे, हरि की भजन करते थे। बोले क्यों, बोले राज्य तो अभी आज है कल नहीं, मरते समय थोड़ी राज्य पाठ को लेकर जाएंगे, हैं ये तो कोई ना काम ये काम को कर लेगा, लेकिन भगवान की भक्ति तो ये वस्तु दुर्लभ है, इसलिए अपने हाथों से मंदिर मार्जन करना, पुष्प चयन करना, ठाकुर जी के लिए माला बनना, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनना, ठाकुर को सेवा करना, ये चीज़ दूसरों को नहीं देते थे, बोले ये चीज़ तो हम स्वयं करेंगे, क्यों, दूसरे काम पैसा से हो जाएगा, लेकिन भक्ति पैसा से भक्ति कर नहीं सकते हो, भगवान की तो सेवा तो प्रेम से ही सेवा प्रेम से होता है सेवा, इसलिए उन्होंने पूरा एकादश इंद्रियों को पूरा उन्होंने ठाकुर को सेवा में लगा दी, इसलिए ये हो गए शुद्ध भक्त। उसके बाद में ये प्रेमी भक्त है, बोले प्रेमी भक्त श्री हनुमत लाल को प्रेमी भक्त बताए हैं हनुमान जी, जो कि भगवान का सखा भी है, मित्र भी है, मंत्री भी है, सेवक भी है, परामर्शदाता भी, हनुमान जी प्रभु राम की सब कुछ ये है, इसलिए दुनिया चलना श्री राम के बिना और राम जी चलना हनुमान के बिना, कहीं अगर ले जाना हो ठाकुर जी को कंधे में बैठा करके ले जाते हैं, यहाँ पर साक्षात सेवा ठाकुर जी की साक्षात सेवा करते हैं हनुमंत लाल जी, और प्रभु की सेवा के बगैर एक सेकंड जो रह नहीं सकते, इसलिए उनको सीता राम लक्ष्मण शत्रुघ्न बोले आज से तुम्हारी कोई सेवा नहीं, दिन भर सेवा करते रहते हम मौका नहीं देते, बोले बाहर बैठ रहो, अंदर की सेवा माता सीता कर लेगा और बाहर की सेवा हम तीनों भाई कर लेंगे। हनुमान बोले देखो
मैं तो प्रभु के सेवा के बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, प्रभु के सेवा ही जीवन है। कोई अगर छोटे से सेवा दे दो जिसको लेकर के जीवन धारण कर, बोले प्रभु को जब जम्भाई है ना चुटकी बजाना, बस बाहर बैठ गए तो रघुपति राघव राजा राम पति तपावन चुटकी बजाना शुरू कर दिए, और भगवान को जम्भाई के ऊपर जम्भाई जम्भाई खत्म नहीं हो। वैद्य बुलाया गया, बोले तो प्रभु जी ठीक ठाक है, ये जम्भाई फिर क्यों आ रही है? बोले हनुमान जी कहाँ हैं? बोले उनको बाहर निकाल दिया। बोले क्या कर रहे हैं? बोले चुटकी बजा रहे हैं। बोले क्या सेवा दिया? बोले जम्भाई आने पर चुटकी बजाने का। बोले चुटकी जब आओगे तभी तो, जब जम्भाई आए तब चुटकी बजाना, तू हर से चुटकी क्यों बजाते हो? बोले बाहर तो बैठा दिया, पता नहीं प्रभु को कब जम्भाई आ जाए। बस और भगवान प्रेम के बसीभूत ठाकुर जी हैं, भक्त की प्रेम में बसीभूत है, इसलिए उनके बसीभूत होकर प्रभु जम्भाई के ऊपर, जम्भाई हो तो सबका सेवा बंद, जम्भाई रुके तभी तो कोई सेवा करेगा। बोले भैया हनुमान वगैरह चलेगा नहीं, उसको सब सेवा उसको वापस दे दो, बस सब सेवा उसको, भैया तुम अपना सेवा कर हम भी अपना। ऐसे हनुमान जी और सारा शरीर में क्या किया, एकदम रंग रंग से पोत लिया सारा शरीर को लाल रंग। हम हर व्यक्ति क्या चाहते हैं, हमारी बाल बढ़िया दिखे हैं, और काजल लगाए और हम अपना शरीर को श्रृंगार करें, कपड़े पहने, हनुमान का कुछ है? कुछ नहीं, सारा शरीर में एकदम लाल रंग सारा शरीर में पूरा। क्यों? मैया सीता जी हैं मांग भरी सिंदूर का बूंद लगाई, बोले पति की सुहाग के लिए मैं करती हूँ, कहते अगर एक फोटा एक रेखा से अगर इतना हो, अगर मेरे प्रभु का राम अगर सारा शरीर में सिंदूर को लगा दिया तो हे प्रभु राम की जस, सारा दुनिया में प्रभु का जस फैलेगा, प्रभु अजर अमर बन करके रहे। मतलब प्रभु की सेवा के लिए कितने समर्पित आत्मा। क्या पहने? लंगोटी केवल पहने, लंगोटी पहने हनुमान जी हैं, लंगोटी पहने हनुमान जी प्रभु से। इसलिए इनको क्या बताया गया, हनुमान जी भगवान की प्रेम भक्ति प्रेम हैं, इनकी जो भक्ति प्रेम युक्त भक्ति हनुमान जी की। इसलिए जिन्होंने मोती में अगर उसमें राम का नाम नहीं लिखा हुआ, कृष्णन सीता जी का नाम नहीं, उसको दांत में काट काट कर फेंक रहे थे, बोले जिसमें मेरे प्रभु सीता राम की जिसमें छवि नहीं, हनुमान की उस चीज़ को तो ग्रहण नहीं करते, फेंक दिया उनको दांत में काट। ऐसे प्रभु राम की भक्त है, लेकिन उनसे जो श्रेष्ठ भक्त बताए यहाँ पर तो प्रभु की ये सेवा कर रहे हैं। इसको ऊपर जो प्रेम भक्त बताए, कौन सा भक्त बताए, कभी ये प्रेमापर भक्त है हैं, कभी इनको पांडव लोगों को बताए, कभी यहाँ पर तो भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भगवान भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वो श्रेष्ठ किस लिए? कारण है यहाँ पर भक्त भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान भक्तों का इतने प्रेम में बसीभूत है जो भगवान स्वयं भक्त की सेवा करने लग जाए, इतने प्रेम में बसीभूत है, स्वयं रथ का चालक बन गए। रथ कौन चलाता है, हैं गोकर्ण कर्ण सूत पुत्र, सूत कहते हैं उसको, चिढ़ाया करते थे सूत पुत्र बैठ जा, वो छोटे जाति का काम, लेकिन भगवान स्वयं सारथी हैं। अर्जुन का रथ हान के भूल गए, ठाकुर आई सबसे ऊंची प्रेम सगा, इसलिए ठाकुर जी उन्होंने स्वयं रथ को हाँके। ठाकुर जी घोड़ा अगर थक जाए ना, ठाकुर जी घोड़ा को मालिश करते हैं, घोड़ा को घास खिलाते हैं, अगर कहीं दूत भेजना तो साक्षात भगवान दूत बनकर शांति दूत बनकर के जा रहे हैं, हैं? द्रौपदी को ले गए किसको पास में, भीष्म को पास में, द्रौपदी को बोले उनसे वर मांग लाना, हम अखंड सौभाग्यवती बने, लेकिन ठाकुर जी ये किया जूतों को उठा कर अपना बगल में दबा दिया, पता नहीं चला ये द्रौपदी यहाँ द्रौपदी आए हैं। कृष्ण स्वयं पांडव का सेवक सेवक है करने लग गए, उनको सेवा उल्टा सेवा करते थे, दुनिया भगवान की सेवा और भगवान किसकी सेवा कर रहे हैं, पांडव की सेवा कर, इसलिए उनसे ये श्रेष्ठ, लेकिन उनका अंदर में भी श्रेष्ठ है, कहते प्रेमातुर भक्त है, जिसमें श्री उद्धव जी को बताया गया, जिसके लिए कृष्ण खुद कहते हैं हे उद्धव तू और मेरे से कोई फर्क नहीं, इसलिए न तथा मैं प्रियतम आत्म ज्योनिर न शंकर, मेरे पुत्र ब्रह्मा भी इतना प्यारा नहीं, मेरे एकात्मा शंकर भी इतना प्यारा नहीं, बख्य बिलासिनी लक्ष्मी भी इतने प्यारी नहीं, मेरे भाई बलदाम भी इतना प्यारा नहीं, कहते मेरा आत्मा भी इतना प्यारा नहीं, तू मेरे जितने प्रिय हो, इसलिए वृष्ण नाम प्रवर मंत्र कृष्ण स दैत्य सखा, इसलिए शिष्य बृहस्पति साक्षात
उद्धव बुद्धि सतम, एक इतना इसलिए उसका नाम उद्धव मतलब उद्गत तम, जिसमें कोई तम नहीं, जो एकदम निर्गुण है, शुद्ध है भक्ति में, इसलिए इतने। लेकिन उद्धव जैसे व्यक्ति जब उन्होंने ब्रज में गए और उन्होंने ब्रजवासियों को प्रेम देखा, नंद बाबा की सखाओं की, ब्रज गोपियों की, फिर जब उन्होंने गोपियों की राधा रानी के प्रेम देखे, जब उन्होंने राधा रानी के प्रेम देखे, बोले उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुग डुग बाजे प्रेम की। इसलिए गुरुदेव कहते थे भागवत का श्रेष्ठ क्या है, भागवत का श्रेष्ठ क्या श्लोक है बता। इसलिए वहाँ पर हाँ नपार है अहम निरवध संजुजाम स्वसाधु कृत विबुधाई सा। कृष्ण जहाँ पर कहते रासलीला करते करते हे ब्रज गोपियों, ब्रह्मा जैसे मैं परमायु लेकर के भी मैं तुम्हारी ऋणी से कभी ऋणी बन ही नहीं सकता, क्यों तुम लोग ने मेरे लिए भाई बंधु पुत्र परिवार सबको तुम लोग ने एक तरफ रख दिया, सबके एक तरफ में कर दिया मेरे लिए। इसलिए महाराज कहते रासलीला में ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक है जहाँ पर कृष्ण अपने आप को ऋणी, स्वयं ऋणी कृष्ण मानते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जितने सारे शास्त्र है ना, समस्त शास्त्र को अगर हम पढ़ाई पढ़ेंगे, देखोगे सब शास्त्र एक ही बात कहेगा है, भजिए राम सब काज विसारे, समस्त श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी, भजिए राम सब काज विसारे, श्रुति सिद्धांत सबके सब हैं, एक ही बात को कहते हैं, हैं एक ही बात को कहते हैं, क्या कहते हैं, भजिए राम सब काज विसारे, सब छोड़कर प्रभु प्रभु की चरण में, तन मन सब कुछ प्रभु के चरण में दे दो। और जहाँ पर ऐसे जब भक्त दे देता है भगवान भी, वहाँ पर क्या करते हैं, भगवान अपने आप उसको पास में बीक जाते हैं, स्वयं भगवान अपने आप को भक्तों के पास में ऋणी मानते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शास्त्र का एक ही तात्पर्य है, भगवान की भक्ति करना, भजन करना। और भगवान भी जिनको उल्टा भक्तों की भक्ति करने लग जाते हैं, भगवान उनको प्रेम में वशीभूत होकर के, ठीक है, भले वंशाकल कृपा सिंधु पतिता न